सो आज है 1 जुलाई, यानी कि आज हमारे गेम के अंदर आ चुका है बीआर रैंक का बिल्कुल नया सीजन। एंड इस नए रैंक सीजन में जल्दी से जल्दी रैंक पुश करने के लिए हमें जरूरत होगी एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। तो इसीलिए जब से अपडेट आया है मैंने काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ट्राई किया है एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डालकर आप लोगों से भी काफी सारे कॉम्बिनेशन लिए। एंड इतने सारे कॉम्बिनेशन के साथ खेलने के बाद मैंने टोटल 3 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चूज किया है रैंक पुशिंग के लिए। एंड आज के दिन उन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ रैंक पुशिंग का ट्राई करूंगा। तो देखते हैं कौन से कॉम्बिनेशन के साथ मैं इजीली फाइट्स को हैंडल करके बुइया निकाल पाता हूं। तो अभी चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो के तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 95% से भी ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि रेगुलरली वीडियोस देखते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। एंड हां, याद से वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो अभी चलो देखते हैं हमारा पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा है। सो हमारा जो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट से लिया था, जो कमेंट किया था मोहित भाई ने। एंड इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में उन्होंने बोला था आइरिस, लुकुएटा, काइरोस एंड मिशा कैरेक्टर को यूज करने को। तो मैं जल्दी से ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को इक्विप करके अपना पहला मैच स्टार्ट करता हूँ। अभी मैच शुरू होता है बरमुडा मैप के अंदर। एंड जल्दी से जल्दी 4 लेवल का वेस्ट हेलमेट लेने के लिए मैं यहाँ पे मिनी पीक में आ जाता हूँ। एंड जल्दी जल्दी यहाँ से टोकन कलेक्ट करने के बाद मैं सामने के साइड पे आके ग्रोजा एंड डबल बैरल भी ले लेता हूँ, जिससे मेरा काफी अच्छा खासा लूट भी हो जाता है। एंड यहाँ से लूट करके मैं फिर से मेन मैप पे आता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद ग्लाइडर यूज करके सीधा आ जाता हूँ क्लॉक टावर के तरफ। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही लूट करना शुरू करता हूँ अचानक से एक बंदे का फुटस्टेप आता है। अभी ये बंदे ने भी मुझे स्पॉट कर लिया था, तो जैसे ही ये बंदा रश करने आता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे के साइड पे आता हूँ। एंड सामने आते ही जैसे ही डबल बैरल मारने जाता हूँ ये बंदा ओडियन बन जाता है, तो मैं यहाँ पे एक वॉल लगा के बच जाता हूँ। एंड जैसे ये बंदा थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में जाना शुरू करता है मैं इसको जाने देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आइरिस था। एंड थोड़ा सा ग्रोजा सा डैमेज देते ही जैसे ये बंदा वॉल लगाता है मैं इसको आइरिस यूज करके वॉल का आर पार काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मेरा पहला किल सिक्योर होता है। उसके बाद मैं क्लॉक टावर से जैसे ही बाहर के साइड पे आता हूँ ये ब्लैक वाले घर के एकदम छत के ऊपर एक बंदा दिखता है, जिसको मैं ग्रोजा का डैमेज देके खत्म करता हूँ। नीचे भी एक बंदा था लेकिन इसको थोड़ा सा डैमेज देते ही अंदर के साइड पे भाग जाता है। तो मैं सामने आके लैम्बोर्गिनी लेके जोन सिक्योर करना शुरू करता हूँ। अभी ये गाड़ी लेके जैसे ही मैं जोन के तरफ जा रहा था यहाँ पे मुझे एक ऑफलाइन बंदा मिलता है, जिसको मैं यहाँ पे गाड़ी से टक्कर मार के फिर डबल बैरल से खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा तीसरा किल सिक्योर हो जाता है। अभी उसके बाद मुझे और भी किल करना था, तो मैं यहाँ पे बंदा ढूंढना शुरू करता हूँ। यहाँ पे जोन के बाहर मुझे एक बंदा मिलता है, जिसको मैं गाड़ी से डैमेज करता हूँ, फिर डबल बैरल का 4 गोली मार के खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे M43 भी मिल जाता है। इसको लेके मैं जैसे ही जोन के तरफ आता हूँ यहाँ पे आखिरी के 10 बंदे बचे हुए थे, जिनमें से एक बंदा यहाँ पे मुझे ओपन में मिलता है, जिसको मैं गाड़ी से टक्कर मार के काफी सारा डैमेज करता हूँ। फिर गाड़ी से उतर के इसको मारने तो जाता हूँ, बट MP40 बहुत ही गंदा रिकॉयल करता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से आइरिस का एबिलिटी ऑन कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है इस बंदे के ऊपर मार का जाता है। एंड इसके मूवमेंट के हिसाब से मैं इसको काफी सारा डैमेज करता रहता है, काफी आराम से ये बंदा खत्म हो जाता है। अभी उसके बाद मुझे यहाँ पे एक मॉन्स्टर ट्रक मिलता है, तो मैं जल्दी से ये मॉन्स्टर ट्रक उठाता हूँ। इसको उठा के मैं जैसे ही गाड़ी घुमाना शुरू करता हूँ एक बंदा ओपन में ही मिलता है, जिसको मैं गाड़ी से टक्कर मार के काफी सारा डैमेज देता हूँ, फिर MP40 से खत्म कर देता हूँ। अभी ये बंदे को फिनिश करने के बाद मैं जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ। यहाँ पे आखिरी के 3 बंदे बचे हुए थे, जिनमें से एक बंदा यहाँ पे मेरे सामने से भागता हुआ जा रहा था। अभी पहले तो ये बंदा वॉल लगा के गाड़ी से बच जाता है, लेकिन फिर से जैसे ये गाड़ी में मारना शुरू करता है उस चक्कर में मैं इसको गाड़ी से टक्कर मार के डैमेज करता हूँ, फिर MP40 से खत्म कर देता हूँ। लेकिन गाड़ी लेके मैं जैसे नीचे के साइड पर, तो यहाँ पे एक बंदा मेरा गाड़ी भी फोड़ देता है, मुझे भी काफी सारा डैमेज डील कर देता है। तो मैं यहाँ पे वॉल से पैक करके जल्दी से हील करता हूँ, फिर जोन भी श्रिंक कर रहा था। एंड मैं जैसे ही जोन के तरफ आना शुरू करता हूँ यहाँ पे मेरे सारे के सारे वॉल भी खत्म हो जाते हैं। अभी यहाँ पे बंदे के साथ साथ जोन भी काफी डैमेज दे रहा था, लेकिन उसी टाइम पे मुझे एक वॉल मिलता है, जिसको लगा के मैं सामने वाले बंदे से बचता हूँ। इस बंदे को MP40 से खत्म कर देता हूँ। एंड इस बंदे को मारते ही मुझे काफी सारा वॉल मिलता है, तो मैं सामने वाले बंदे से भी बच जाता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे मैं सामने की तरफ आता हूँ ये बंदा पता नहीं है डब्बे के पीछे कौन सा नशा करके खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ ये बंदा भागने के बजाय वहीं पे खड़ा रहता है। एंड इसको ग्रेनेड से डैमेज आ जाता है, तो मैं यहाँ पे लगातार ग्रेनेड फेंकना शुरू करता हूँ। एंड उसी चक्कर में यहाँ पे 54 का डैमेज और लग जाता है, तो मैं यहाँ पे बाकी का जितना भी ग्रेनेड था वो सब फेंक के जल्दी से एक एनर्जाइजर यूज करके इसके ऊपर रश करने जाता हूँ। अभी ग्रेनेड से काफी सारा डैमेज होने की वजह से मैं जब तक इसके ऊपर रश करता हूँ ये बंदा हील ही कर रहा था, तो मैं इसको MP40 से काफी सारा डैमेज देता हूँ। काइरोस की वजह से इसका वेस्ट भी फूट जाता है, सोनिया भी एक्टिव हो जाता है। अभी ये बंदा दिमित्री लगा के नॉक होता है, तो मैं यहाँ पे लैंडमाइन एंड वॉल से इसको अंदर ही पैक कर देता है। एंड ये बंदा लैंडमाइन से ही खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे आइरिस वाले कॉम्बिनेशन के साथ मेरा पहला मैच ही बुइया हो जाता है, जहाँ पे 26 का प्लस भी मिलता है। एंड मैं यहाँ पे 9 किल भी कर लेता हूँ।
अभी इसके बाद मैं सेकेंड गेम शुरू करता हूँ। यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी यूज करके ऊपर के साइड पे जाके लूट करके सीधा आ जाता हूँ क्लॉक टावर पे। लेकिन इसके बाद मैं यहाँ पे गाड़ी लेके बंदा ढूंढना शुरू करता हूँ। लिटरली आधी लॉबी खाली हो जाती है बट मुझे एक भी बंदा नहीं मिल रहा था। उतने में यहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पे ग्रोजा से हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ। एंड इसको मारने के बाद आर्सेनल के यहाँ पे एक बंदा एसबीडी मार रहा था मेरे गाड़ी पे, तो मैं इसको काफी सारा डैमेज करता हूँ गाड़ी से। एंड यहाँ पे गलती से लॉन्चर आ जाता है बट लॉन्चर से ये बंदा फिनिश हो जाता है। अभी उसके बाद लूट करके मैं जोन की तरफ जा ही रहा था कि एक बंदा मेरे गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो इसको मैं टक्कर मार के डैमेज करता हूँ, फिर MP5 से खत्म कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आखिरी के दो बंदे बचते हैं जिनमें से एक बंदा लैम्बर्गिनी चला रहा था, तो मैं यहाँ पे उसका लैम्बर्गिनी फोड़ता हूँ, फिर वेट करता हूँ इन दोनों बंदे का फाइट होने का। एंड यहाँ पे देखो क्या सीन होता है, मैं जोन के बाहर एक सुपर मेडी लगाता हूँ, उतने में इन दोनों बंदों का फाइट शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जोन में आता हूँ, इनका स्किल भी ब्लॉक कर देता हूँ। अभी उतने में इनमें से एक बंदा फिनिश भी हो जाता है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ हील बैटल करके मैच जीतने का। लेकिन ये बंदा पता नहीं क्यों मेरे वॉल के बाहर यहाँ पे लैंडमाइन लगाता है, फिर एक और वॉल लगा के खुद को ही लैंडमाइन से एलिमिनेट कर लेता है। यहाँ पे मुझे फ्री का ही बुया मिल जाता है। बाकी इस मैच के अंदर मैं 3 किल के साथ बुया करता हूँ जहाँ पे मुझे 21 का प्लस मिलता है। एंड साथ ही में दोनों में से दोनों मैच बुया होते हैं जिससे मेरा 2 का स्ट्रीक भी बन जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले गेम पे भी सेम सिचुएशन होता है। मैं यहाँ पे ऊपर से लूट करके बंदा ढूंढना जैसे ही शुरू करता हूँ आधी लॉबी ऑलरेडी खाली हो जाती है। लेकिन उतने में यहाँ पे पोचिनॉक के पीछे के साइड पे ये जो एल शेप रहता है इसके ऊपर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, फिर आयरिस लगा के इसको वॉल के आर पार 2 हेडशॉट मारता हूँ। बट फिर भी इतना डैमेज खाने के बाद भी ये बंदा नहीं मरता है, तो मैं यहाँ पे इसका वॉल फोड़ना शुरू करता हूँ। उतने में ये बंदा टायर लगा के ऊपर जाता है जिससे ये बंदा काफी आराम से खत्म हो जाता है। एंड इसको मारने के बाद मैं पोचिनॉक के तरफ आता हूँ जहाँ पे एक बंदा सामने से डबल डोर से नीचे आता है, तो इसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, फिर आयरिस लगा के जैसे ही फायर करता हूँ इसके ऊपर मार्क आ जाता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इस मार्क को ही फॉलो करता हूँ, इसके ऊपर रश करने जाता हूँ। एंड लिटरली आयरिस का ये मार्क बहुत देर तक रहता है, तो मैं यहाँ पे एक वॉल लगाता हूँ जिससे ये बंदे को लगता है मैं उस साइड से रश करूंगा, बट मैं दूसरे साइड से जाके इसको डबल बैरल से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पे मेरा दूसरा किल सिक्योर हो जाता है। उसके बाद मैं जैसे जोन के तरफ आता हूँ यहाँ पे जोन के बाहर एक बंदा मिलता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज डील करता हूँ। अभी उसके बाद मुझे भी जोन के तरफ जाना था, तो मैं जैसे ये वाले घर से नीचे उतरता हूँ ये बंदा पता नहीं क्या ही मारता है, मेरा हेलमेट यहाँ पे 1 HP का बचता है। बट किसी तरीके से मैं यहाँ पे इस पिलर के कवर में आके जल्दी से अपना हेलमेट रिपेयर करता हूँ, फिर आ जाता हूँ जोन के तरफ। अभी यहाँ पे एक बंदा वॉल के अंदर पैक था, तो मैं जल्दी से अपना मॉन्स्टर ट्रक बुलाता हूँ, इसको लेके मैं ये वाले बंदे को टक्कर मार के थोड़ा सा डैमेज डील करता हूँ, बट दूसरा वाला बंदा इसको फिनिश कर देता है। एंड यहाँ पे हो जाता है 1v1 का सिचुएशन। अभी मैं जैसे इसको मारने जाता हूँ पहले तो डबल बैरल का दोनों गोली रिकॉयल हो जाता है, तो मैं यहाँ पे हुमर का एबिलिटी यूज करता हूँ। एंड जैसे इसको डबल बैरल से मारने जाता हूँ फिर से दोनों गोली रिकॉयल हो जाता है, एंड फिर से जैसे रिलोड करके मारता हूँ थोड़ा सा डैमेज होता है। फिर मैं यहाँ पे आयरिस यूज करके इसको मारने का तो ट्राई करता हूँ, बट ये बंदा SMG गन यूज करके मुझे काफी सारा डैमेज डील कर देता है। एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डैमेज तो करता हूँ बट ये बंदा मुझे MP40 से नॉक ले जाता है। लेकिन उसके बाद पता नहीं इसको क्या सीन होता है, इमोट दिखाने के चक्कर में मैं यहाँ पे रिवाइव होता हूँ, फिर जल्दी से रिलोड करके इसको फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा 3 किल के साथ मैच बुया हो जाता है। एंड वही पे ईवो एक दिखाने के चक्कर में इसका बुया मिस हो जाता है। खैर यहाँ पे मैं बुया भी करता हूँ, 3 का स्ट्रीक भी बनता है, 21 का प्लस भी मिल जाता है। अभी इसके बाद बारी आती है सेकेंड कॉम्बिनेशन की, जिसमें मुझे यूज करना था स्काइलर, मारो, मोको एंड लूना कैरेक्टर को। अभी अपडेट के बाद स्काइलर एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर हो चुका है, तो मुझे लगा था कि मैं इसके साथ भी 3 में से 3 मैच बुया कर लूंगा, बट रिजल्ट काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि पहला मैच जैसे शुरू होता है मैं पिछले मैचेस के तरह ही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए आ जाता हूँ मिनी पीक में। एंड यहाँ पे आके मैं जल्दी से लूट कंप्लीट करता हूँ जहाँ से मुझे ग्रोजा एंड डबल बैरल मिल जाता है। एंड इसको लेके मैं सीधा आ जाता हूँ फैक्ट्री के छत पे। एंड यहाँ पे मैं ग्लाइडर यूज करके फैक्ट्री के छत पे लैंड करता हूँ। एंड ये चीज कितनों को याद है जरूर से कमेंट में बताना, वो पीक के साइड से ग्लाइडर यूज करके जो फैक्ट्री के छत पे आ सकते थे। बाकी यहाँ पे आने के बाद मुझे एक कैंपर मिलता है जो कि लिटरली यहाँ पे हील स्नाइपर लेके बैठा हुआ था, जिसको यहाँ पे मैं ग्रोजा से काफी आराम से फिनिश करता हूँ। उसके बाद फैक्ट्री के नीचे के साइड पे आ जाता हूँ क्योंकि जोन भी श्रिंक कर रहा था। अभी यहाँ पे मैं जैसे जोन के तरफ जाना शुरू करता हूँ एक बंदा अचानक से मुझे थोड़ा सा डैमेज डील करता है, तो इसको मैं ग्रोजा से काफी सारा डैमेज डील करके फिर यहाँ पे स्काइलर मार के इसका वॉल भी हटा देता हूँ, बट ये बंदा यहाँ पे कवर में जाके बच जाता है। उसके बाद मुझे जोन में भी जाना था, लेकिन यहाँ पे जैसे आता हूँ मुझे दिखता है ये बंदा वॉल लगा के लूट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे स्काइलर मार के इसका वॉल हटाता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा डैमेज डील कर देता हूँ। एंड मोको का मार्क भी आ रहा था, तो मैं यहाँ पे लॉन्चर मार के इसका वॉल फिर से हटाता हूँ, फिर से इसको थोड़ा सा डैमेज डील कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और बार लॉन्चर मार के इसका वॉल हटाता हूँ, फाइनली इसको खत्म कर देता हूँ। एंड इस बंदे को मारने के बाद मैं जल्दी से लूट करता हूँ। उसके बाद जोन काफी दूर चला गया था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इस लॉन्च पैड के पास, जिसको यूज करके मैं ग्लाइडर यूज करके जोन के तरफ जाना शुरू करता हूँ। बाकी ग्लाइडर का तो इन्होंने मजाक ही बना दिया है, क्योंकि पहले के टाइम पे हम लोग पीक के पीछे के साइड से सीधा फैक्ट्री या फिर पोचिनॉक पहुंच जाते थे, लेकिन यहाँ पे पीक में ही अंदर तक नहीं ला पाया ग्लाइडर। बाकी पीक के ये मेन वाले घर के अंदर से मुझे M14-3 मिल जाता है, इसको लेके मैं फिर से लॉन्च पैड यूज करके जोन के तरफ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे काफी गंदा सिचुएशन होता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी
डेक आर्सेनल की था, तो मैं सोचता हूँ आर्सेनल पे लैंड करके इसको ओपन करके काफी आराम से कवर बना लूंगा। बट यहाँ पे मैं जैसे लैंड करना शुरू करता हूँ इसका कंट्रोल ही समझ नहीं आता एंड ये मुझे आधे रस्ते पे उतारता है। जैसे मैं जोन के तरफ जाना शुरू करता हूँ एक पिकअप ट्रक वाला बंदा आके मुझे उड़ा देता है एंड पीछे से एक बंदा थर्ड पार्टी करके फिनिश कर देता है एंड यहाँ पे मेरा बुइया मिस हो जाता है। बाकी इस मैच के अंदर मुझे सिर्फ 10 का रैंक पॉइंट प्लस मिलता है। तो इसके बाद स्काइलर वाले कॉम्बिनेशन के साथ मैं सेकेंड मैच शुरू करता हूँ। यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए मिनी पीक को लूट करता हूँ, उसके बाद आ जाता हूँ पीक के पीछे वाले साइड पे। अभी यहाँ पे मैं सीमेंटेड वाले घर को लूट जैसे ही करता हूँ सामने के साइड से एक बंदा सीधा सीधा भागता हुआ आ रहा था, जिसको मैं ग्रोजा से काफी सारा डैमेज डील करता हूँ एंड यहाँ पे इस बंदे का सोनिया एक्टिव हो जाता है एंड बंदा यहाँ पे दिमित्री यूज करके नॉक हो जाता है। बट यहाँ पे स्काइलर का परफेक्ट यूज होता है क्योंकि स्काइलर मार के मैं इसका वॉल हटा देता हूँ, उसको काफी आराम से फिनिश कर देता हूँ, जिसके पास से मुझे M10 मिल जाता है 3 चिप का। अभी उसके बाद मैं जोन के तरफ मूव करते हुए ये वाले घर के अंदर आता हूँ, जहाँ से मैं सामने वाले साइड पे दो बंदे फाइट कर रहे थे थर्ड पार्टी करके एक बंदे का किल चोरी कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद आधे से ज्यादा बंदे गाड़ी लेके घूम रहे थे एंड यहाँ पे मैं एक बंदे का बाइक फोड़ के इसको काफी सारा डैमेज डील करता हूँ, फिर स्काइलर मार के वॉल हटा के फिर से डैमेज डील कर देता हूँ। लेकिन लगातार मैं एक ही जगह पे खड़े होकर फायर कर रहा था, जिस वजह से एक बंदा मेरे हेड पे एम लेके मुझे स्नाइपर से हेडशॉट मार देता है एंड यहाँ पे भी मेरा बुइया मिस हो जाता है। बाकी इस मैच के अंदर मैंने सिर्फ 2 ही किल किया था तो मुझे सिर्फ 9 पॉइंट प्लस मिलता है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैच शुरू करने से पहले मैं कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा चेंज करता हूँ कि लूना को हटा के मिशा ले लेता हूँ, जिसके वजह से मैं लास्ट जोन फाइट को काफी आराम से हैंडल कर सकता हूँ गाड़ी का यूज करके। एंड यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन के साथ साथ स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस करता हूँ, क्योंकि पहले मैं सीधा मिनी पीक में जा रहा था एंड जैसे वहां से नीचे आ रहा था मुझे सीधा बंदे के साथ फाइट करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे मैं पहले ब्लू जोन लूट करता हूँ, जहां से मुझे काफी अच्छा लूट मिल गया था एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे मिनी पीक से सिर्फ चाहिए था 4 का वेस्ट हेलमेट, जिसको लेके मैं सीधा जोन के तरफ आ जाता हूँ, जिससे क्या होता है ब्लू जोन से मुझे काफी अच्छा लूट मिल जाता है। मिनी पीक लूट करने की वजह से मेरे पास 4 का वेस्ट हेलमेट भी आ जाता है। अभी ब्लू जोन से मुझे काफी सारा टोकन भी मिला था एंड यहाँ पे वेंडिंग मशीन में आके मैं जैसे ये टोकन यूज करना शुरू करते उतने में एक बंदे का फुटस्टेप आता है। अभी इस बंदे को डबल बैरल का डैमेज देते ये बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, बट मैं इसको काफी आराम से डबल बैरल से खत्म करता हूँ। सोनिया एक्टिव होने के बाद ये बंदा फिनिश भी हो जाता है एंड उतने में लॉन्ग रेंज से एक बंदा मार रहा था, तो मैं यहाँ पे वॉल लगा के जल्दी से हील कम्प्लीट करता हूँ, उसके बाद ये बंदे का लूट बॉक्स चेक करके फिर आ जाता हूँ जोन के तरफ। अभी जोन बन रहा था हैंगर के पीछे के साइड पे, यहाँ पे हैंगर वाले इस डब्बे को मैं जैसे ही तोड़ता हूँ इसके अंदर से मुझे M14 मिल जाता है 3 चिप का, तो इसको लेके मैं जोन के तरफ जाना शुरू करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिला था एंड यहाँ पे एक ही बंदा गाड़ी चला रहा था, तो मैं यहाँ पे लॉन्चर यूज करके इसका गाड़ी को डैमेज करता हूँ, फिर M14 से गाड़ी खत्म कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं इस वेयर हाउस के अंदर के तरफ जैसे ही आता हूँ बाहर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, जिसको थोड़ा सा डैमेज देते हैं, उसके ऊपर मोको का मार गाता, तो मैं यहाँ पे स्काइलर मार के उसका वॉल हटाता हूँ, फिर से बाहर जाके एक और बार वॉल लगाता है। बट क्योंकि अभी स्काइलर 2 बार यूज होता है तो मैं इसका वॉल फिर से हटा के इसको खत्म कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा दूसरा किल सिक्योर होता है। उसके बाद ये वेयर हाउस के पीछे के साइड पे फाइट चल रहा था, जहाँ पे आते ही मैं थर्ड पार्टी करके एक बंदे का किल चोरी करता हूँ, फिर यहाँ पे एक और बंदा रश करने आता है, तो मैं वेट करता हूँ इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने का एंड जैसे इनके बीच में फाइट शुरू होता है मैं जल्दी से रश करके एक बंदे को फिनिश करता हूँ, फिर दूसरा वाला बंदा यहाँ पे वॉल के कवर में चला जाता है। लेकिन ओपन में नूब वॉक करते ये मेरे को मारने आता है, जिससे मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर ये ओरियन बन के भागने का तो ट्राई करता है, बट M14 से इसको फिनिश कर देता हूँ एंड इसके बाद आखिरी के 2 बंदे मिलते हैं, जिनमें से एक बंदा यहाँ पे कंटेनर के कवर में था, जिसको थोड़ा सा डैमेज डील करते ये वॉल लगाता है, तो मैं यहाँ पे स्काइलर का एबिलिटी मार के इसका वॉल हटा के काफी आराम से डैमेज कर देता हूँ एंड स्काइलर से लिटरली इसका 4-5 वॉल खत्म हो जाता है। उसके बाद एक और बार गोली मार के इसका मैं सोनिया एक्टिव कराता हूँ एंड ये बंदा भी फिनिश हो जाता है। फिर आखिरी वाला बंदा डैमेज कर रहा था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक सुपर मेडिकेट मार के हील कम्प्लीट करता हूँ, फिर इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज डील करते इस बंदे का सोनिया एक्टिव हो जाता है। बाकी ये बंदा वॉल भी लगा लेता है एंड हॉरिज लाइन मारना भी शुरू कर देता है, लेकिन स्काइलर मार के मैं इसका वॉल हटाता हूँ, काफी आराम से इसको फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरा 6 किल के साथ काफी आराम से मैच बुआ हो जाता है। अभी इसके बाद बारी आती है थर्ड कॉम्बिनेशन की एंड इस कॉम्बिनेशन को मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में लिटरली सभी लोग बस रश वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिनका फायर पावर अच्छा नहीं होता उनको थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ता है। अभी ये कॉम्बिनेशन में मैंने यूज किया है क्रोनो, लूना, काइरोस एंड एंड्रयू कैरेक्टर को एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं पहला मैच शुरू करता हूँ, जहाँ पे ब्लू जोन में आके मैं जल्दी से M14 एंड डबल बैरल लूट करता हूँ, फिर आ जाता हूँ मिनी पीक में, जहाँ से मैं 4 का वेस्ट हेलमेट लेके नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं मिनी पीक में एंटर किया था बुल साई से, लेकिन मैं जैसे नीचे आता हूँ यहाँ पे मैं पोचिनॉक के अंदर आता हूँ, मतलब कहाँ से कहाँ फेंक देते हैं। खैर यहाँ पे आने के बाद मुझे एक बंदा ओपन में मिलता है, जिसको थोड़ा सा डैमेज देते इसका वेस्ट भी फट जाता है, ये बंदा नॉक भी हो जाता है, लेकिन ये बंदा दिमित्री लगा के नॉक होता है, तो मैं इसको रिवाइव होने देता है, वेस्ट भी फट गया था, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर रश करके डबल बैरल से फिनिश कर देता है। यहाँ पे मेरा पहला किल सिक्योर होता है। फिर यहाँ पे जैसे ही जोन श्रिंक करना शुरू करता है मैं यहाँ पे जिपलाइन यूज करके जाना शुरू करता हूँ, बट पीछे से एक बंदा मुझे काफी सारा डैमेज डील करना शुरू करता है एंड ये बंदा मुझे
जिप लाइन में फिनिश ना कर दी इसलिए मैं जल्दी से आधे रास्ते पे उतर जाता हूँ। अभी यहाँ पे आने के बाद सामने ही जोन था तो इनहेलर मार मार के मैं जोन के तरफ आता हूँ। एंड यहाँ पे देखो क्या सीन होता है, मैं तो जोन में आ जाता हूँ बट वो वाला बंदा यहाँ पे जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो जाता है एंड मैं टॉप 5 के अंदर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे सिर्फ एक ही किल थे तो मैं यहाँ पे बंदा ढूंढना शुरू करता एंड यहाँ पे दो बंदों का फाइट चल रहा था, एक बंदे को मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करके फिनिश करता हूँ, फिर दूसरे वाले बंदे के लिए मैं यहाँ पे ओपन में वॉक करना शुरू करता हूँ। एंड जैसे ये बंदा पीक देता है पहले तो मेरा गोली रिकॉल होता है बट दूसरी बार मैं स्कोप ओपन करके इसको फिनिश कर देता हूँ। इसको मारने के बाद बचता आखिरी वाला बंदा एंड इसको मारने के लिए मैं सोचता हूँ ये डब्बे के पीछे ये बंदा है तो मैं इसको लॉन्चर से ही खत्म कर सकता हूँ, बट ये लॉन्चर से इसके ऊपर तो डैमेज नहीं आता है लेकिन ये बंदा मुझे डैमेज करके रश करने आता है, बट मैं इसका M14 से काफी सारा डैमेज डील करता हूँ। जैसे ये बंदा वॉल लगाता है मैं यहाँ पे लॉन्चर मार के वॉल के आर पर इसको बहुत सारा डैमेज डील करता हूँ, फिर से वॉल लगाता है तो फिर से मैं इसको डैमेज डील कर देता हूँ। एंड ये बंदा काफी सारा डैमेज खा गया था तो मैं जल्दी से रश करने जाता हूँ, यहाँ पे डबल वैरल से डैमेज करता हूँ जिससे इसका वेस्ट फूटता है, फिर यहाँ पे क्रोनो से बच के इसको फिर से फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा मैच 4 किल के साथ बुआ हो जाता है जहाँ पे मुझे 23 का प्लस भी मिल जाता है। अभी इसके बाद सेकंड मैच शुरू होता है कालाहारी पे जहाँ पे मैं काफी देर तक लूट करके टॉप 18 के अंदर आ चुका था एंड यहाँ पे मेरे एक किल भी कंप्लीट हो चुका था। अभी यहाँ पे लॉन्च पैड यूज करके मैं जैसे आता हूँ नीचे के साइड पे एक पिकअप ट्रक वाला बंदा मिलता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज डील करता है, ये पिकअप ट्रक लेके भागने का ट्राई करता है बट मैं इसका ट्रक फोड़ के इसको गाड़ी से उतारता हूँ एंड इस बंदे को फिनिश कर देता है। यहाँ पे मेरा दूसरा किल सिक्योर होता है, फिर यहाँ पे नीचे के साइड पे फाइट चल रहा था तो मैं थर्ड पार्टी करके एक बंदे का किल चोरी करता हूँ, फिर दूसरा वाला बंदा सेंटिनो से बच तो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वाला बंदा वाइल्ड कार्ड एंट्री मार के इसको खत्म कर देता है, लेकिन उतने में पीछे से एक बंदा यहाँ पे मार रहा था एंड मैं यहाँ पे स्कोप ऑन ऑफ करता हूँ, उतने में उस बंदे के ऊपर एम भी आ जाता है तो मैं इसको काफी सारा बॉडी हेड मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी ये बंदा यहाँ पे हॉरिज लाइन से रिवाइव हो रहा था तो मैं जल्दी से इसको फिनिश लेता हूँ, इसी के साथ मेरा चौथा किल सिक्योर हो जाता है। अभी उसके बाद ये गाड़ी वाला बंदा हार्ड कवर की तरफ जाना शुरू करता है लेकिन M14 से मैं इसको काफी सारा डैमेज डील करता हूँ, ये बंदा दूसरे साइड में वॉल लगा लेता है एंड नायरी का वॉल था तो मैं पहला 3 सेकंड वेट करता हूँ, 3 सेकंड के बाद नायरी का वॉल नॉर्मल वॉल हो जाता है तो मैं इसका वॉल काफी आराम से फोड़ता हूँ एंड जैसे ये बाहर आता है इसका वेस्ट फोड़ के इसको खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा पांचवा किल सिक्योर होता है। उसके बाद एक और बंदा यहाँ पे लैम्बोर्गिनी लेके आता है जिसका मैं गाड़ी फोड़ते हुए वो बंदा गाड़ी से नीचे उतरता है, फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो बंदा पीक देता है मैं इसको काफी सारा डैमेज डील करता है, ये बंदा वॉल तो लगाता है बट रीच के वजह से इसका वॉल नीचे लगता है, ये बंदा भी फिनिश हो जाता है। लेकिन उसके बाद जोन के बाहर एक बंदा था जिसका वॉल फोड़ के मैं इसको काफी सारा डैमेज देता हूँ बट उतने में एक बंदा अचानक से शॉर्ट पे आके मुझे डैमेज करता है, यहाँ पे मैं फॉल डैमेज से नॉक हो जाता हूँ, ये वाला बंदा नीचे आके मुझे फिनिश भी ले लेता है एंड यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा बुआ मिस कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने 6 किल किया था लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ 16 का प्लस मिलता है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट गेम शुरू करता हूँ जहाँ पे ब्लू जोन काफी दूर आया था तो मैं लैंड करता हूँ पीक में। अभी यहाँ पे उतरने के बाद मुझे पहला गन मिलता है M14 जिससे मैं एक बंदे को फिनिश करता हूँ एंड इस बंदे के पास से मुझे थॉमसन मिलता है जिसको लेके मैं जैसे बाहर के साइड पर आता एक बंदा अंदर आ रहा था जिसको मैं थॉमसन से डैमेज करके फिनिश कर देता हूँ। इसको मारने के बाद मेरा दूसरा किल सिक्योर होता है बट उसके बाद मैं जैसे ही पीक के अंदर के साइड पर आता यहाँ पे 3 बंदे फाइट करना शुरू करता है, मैं यहाँ पे फाइट के बीच में घुस जाता हूँ जहाँ पे एक बंदा मुझे काफी सारा डैमेज देता है बट मैं उसको किसी तरीके से मारता हूँ, फिर ये दूसरा वाला बंदा मेरे ऊपर रश करके मुझे खत्म कर देता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सोलो रिवाइवल यूज करता हूँ, फिर आ जाता हूँ ये मिनी पीक में जहाँ से लूट करके मैं फिर से आ जाता हूँ फैक्ट्री के छत पे। अभी इस बार भी मुझे फैक्ट्री के छत पे एक बंदा मिलता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज डील करता हूँ ग्रोजा से एंड ये बंदा वॉल लगा के खुद को प्रोटेक्ट करता है, फिर यहाँ पे कवर में आ जाता है तो मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इसके ऊपर रश करने जाता हूँ। अभी यहाँ पे एक वॉल लगा के मैं जैसे ही रश करता हूँ ये बंदा अचानक से आयरिस का एबिलिटी यूज करता है लेकिन यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट पे आ गया था तो डबल बैरल से डैमेज करके इसको फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको मारने के बाद मैं पोचिनोक के पीछे के साइड पे आता हूँ जहाँ पे मुझे M14 भी मिल जाता है एंड यहाँ पे पोचिनोक में ऑलरेडी फाइट भी चल रहा था तो मैं जल्दी से ये वाले घर के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी फिनिश हो गया था, दूसरा बंदा ओपन में मिलता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज डील करता है, काइरोस की वजह से ये बंदा काफी आराम से फिनिश हो जाता है एंड यहाँ पे मेरा 5th किल भी सिक्योर हो जाता है। उसके बाद मैं लैम्बोर्गिनी यूज करके ये वाले घर के अंदर आता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा ऊपर जा रहा था जिसको मैं डबल बैरल से थोड़ा सा डैमेज डील करते ये बंदा वॉल लगा के खुद को प्रोटेक्ट करता है बट मैं यहाँ पे पीछे के साइड से इसके ऊपर रश करने जाता हूँ, इसको फिर से काफी सारा डैमेज डील कर देता हूँ लेकिन इस बंदे के साथ मेरा फाइट काफी देर तक चलता है जिसके वजह से एक और बंदा फायरिंग का साउंड सुनकर रश करने आता है जिसको मैं डबल बैरल से फिनिश करता हूँ, जिसके पास से मुझे ये वाला नया मिनी लॉन्चर मिलता है जिसको मार के मैं यहाँ पे वॉल के आर पार इस बंदे को डैमेज करता हूँ एंड ये बंदा यहाँ पे घर के नीचे जाता है बट यहाँ पे जैसे ये ऊपर भागना शुरू करता है मैं इसके पीछे पीछे ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इस बंदे को डैमेज करता हूँ, ये बंदा भी मुझे काफी सारा डैमेज डील कर देता है तो मैं यहाँ पे जल्दी से आके एक सुपर मेडिकेट मार के अपना हील कम्प्लीट करता हूँ एंड हील कम्प्लीट करके मैं जल्दी से इसके ऊपर रश करने आता हूँ। यहाँ पे मैं नया वाला लॉन्चर मारता हूँ जिससे इसको वॉल के आर पार डैमेज लगता है एंड यहाँ पे देखो ये वाला बंदा वुकोंग तो बनता है बट आग के वजह से इसका वुकोंग भी टूट जाता है
देता, जैसे इसका उकन टूटता है मैं इसको काफी आराम से खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे फायरिंग के साउंड से नीचे ही एक बंदा आ गया था जिसके ऊपर मैं रश करने जाता हूँ। एंड इसके पास बाइजन था जिससे बंदा काफी सारा डैमेज डील कर रहा था, बट यहाँ पे मैं क्रोनो का शील्ड का कवर लेते हुए काफी आराम से इसको खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा 8 किल कम्प्लीट हो जाता है, जिसके बाद बचता आखिरी वाला बंदा जो की एकदम एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज में था। एंड इसको मैं थोड़ा सा डैमेज तो करता हूँ बट ये बंदा मुझे बहुत सारा डैमेज डील कर देता है। तो मैं यहाँ पे पेड़ के कवर में आके हील करना शुरू करता हूँ, उतने में ये बंदा लॉन्च पैड यूज करके सीधा आ जाता है मेरे पीछे के तरफ। एंड ये बंदा जैसे पीछे के तरफ आके यहाँ पे वॉल लगाता है, मेरे पास लॉन्चर में 2 एमओ बाकी था, तो यहाँ पे मैं जैसे पहला लॉन्चर मारता हूँ इसके ऊपर 18 का डैमेज आता है। एंड जैसे ये बाहर के तरफ आके वुकोंग बनता है, मैं यहाँ पे ओपन में नूब वॉक करना शुरू करता हूँ, लेकिन जैसे फायर करता हूँ ये बंदा एक और वॉल लगाता है, तो मैं यहाँ पे एक और लॉन्चर मार के इसको वॉल के आर पर डैमेज भी करता हूँ, साथ ही में इसका वुकोंग भी तोड़ देता हूँ। एंड उसके बाद मेरे पास काफी सारा ग्रेनेड था, तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकना शुरू करता हूँ, जहाँ पे पहले ग्रेनेड से थोड़ा सा डैमेज आता है, दूसरे ग्रेनेड से ये बंदा खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे मेरा 9 किल के साथ मैच बुआ हो जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को टोटल 3 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिखाया, जिनमें से अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन था मोहित भाई का, वो आयरिस वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसको यूज करके मैंने 3 में से 3 मैच बुआ निकाला है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पसंद आया है। एंड अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में अपना बीआर रैंक का हाईएस्ट विन स्ट्रीक बताना, मेरा जैसे कि हाईएस्ट था 7 का। बाकी अगर आप लोग नए रैंक सीजन में रैंक पुशिंग के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो ढूंढ रहे हो, तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक दिया है, जिस वीडियो के अंदर मोहित भाई ने रैंक पुशिंग स्ट्रेटेजी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।